अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। आप लोग जो है वो देख रहे होंगे कि काफ़ी दिनों से हम जो है वो व्लॉग नहीं लगा पा रहे। रीज़न ये है कि कुछ मसरूफियात हैं, जॉब भी है, आपको मतलब बेटर पता है, मैं भी जॉब करता हूँ, समन भी जो है वो जॉब ही है। सो मैनेज करना व्लॉग के लिए ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम अपने व्यूअर्स के लिए जो है वो कोशिश करते हैं कि व्लॉग हम जो है वो लाते रहें, मतलब कुछ ना कुछ शेयर जो है अपने व्यूअर्स के साथ करते रहें। तनीम की आज जो है वो छुट्टी है, स्कूल से ऑफ है उसका, स्कूल वो रेस्ट कर रही है, सोई हुई है, और हम जो है वो जा रहे हैं अभी जॉब पे, मैं भी और समन भी। सो आज के ब्लॉग का आगाज करते हैं। समन भी आ गई है, समन क्या करने जाएगी? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप भी सोच रहे होंगे इतनी देर के बाद जो है वो हम आ रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिजी थे। आज वो वैसे ही तनीम को छुट्टी है, तो हम इसलिए बहुत जल्दी तैयार हो गए। तो फिर कहा क्यों ना हम फैमिली व्लॉग जो है शुरू करते हैं, तो फिर आज भी जो है वो हम आपसे सारे दिन की रूटीन का वो शेयर करेंगे। तो चलते हैं जी, आज वैसे ही मार्केट्स बंद है सिटी में, क्योंकि कोई हड़ताल वगैरह जितनी जो है वो कोई महंगाई क्या हो गई। हड़ताल है, हड़ताल तो होनी चाहिए थी, हमें भी छुट्टी होनी चाहिए थी, क्योंकि जितनी ज़्यादा महंगाई और इन्फ्लेशन हो चुके हैं, तो हमें चाहिए कि हम भी पूरे मुल्क के साथ जाओ खड़े हों। लेकिन जाहिर है अब जॉब भी तो करनी है, ऑफ नहीं है तो जाना तो पड़ेगा। सो चलते हैं और आज के ब्लॉग का आगाज करते हैं। फाइनली जी, हेक्टिक रूटीन के बाद हम जो है वो वापस घर की तरफ जा रहे हैं। तो साहब आज की क्या है रूटीन? इंडिया पाकिस्तान का मैच है वो देखना है हमने, और उसके बाद जो है वो फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। आपने तो सो जाना है, हमें नींद पूरी करनी है। सोना मैंने फिर भी नहीं है, सोना फिर नहीं है। ये सो जाते हैं कह के ला के कि मैंने सो जाना, और मैं सोती नहीं हूँ। मेरे जो है वो साइड्स पे तनीम जो वो मंडला रही होती, मामा ये भी कर दो वो भी कर दो, तो मुझसे तो सोया ही नहीं जाता। वाह दीदी वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी वाह दीदी दीदी दीदी। सो चाय शाय पीते हैं जाके अभी घर, और जा रहे हैं घर, और खाना शाना खाएंगे, रेस्ट वगैरह करेंगे। अब ये है कि सेकंड टाइम आपने भी कहा हुआ कि आपने घर जाना है अपनी अम्मी के, उधर भी आपको लेके जाना है। मौसम जो है वो काफी फर्क पड़ गया है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत गर्मी है, क्योंकि रात को रात जो है वो थोड़ी सी ठंडी होना शुरू हो गई है। गर्मी अभी भी बहुत ज़्यादा है, हालांकि सितंबर स्टार्ट हो चुका है। सो जी, हम लोग घर पहुंच चुके हैं। घर पहुंचते साथ ही हमने थोड़ा चेंज किया है, कपड़े शपड़े चेंज किए हैं और फ्रेशन अप हुए हैं, और अब जो है वो लाइट ऑफ है, जिसकी वजह से जो है वो केबल भी ऑफ है जिस पे मैच आना है। सो मैं इस वक्त ऑनलाइन ही देख पा रहा हूँ मैच। केबल ऑफ है जनाब, क्योंकि लाइट ऑफ है, दैट मे माइट बी पॉसिबल के उसकी वजह से केबल ना आ रही हो। हम पूछ रहे केबल क्यों नहीं आ रही। सोलर चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर यार हमारा जो है वो टीवी चल रहा है, लेकिन जो केबल है वो बैक एंड से आ रही होती है, आउटसोर्स से। मैं वही बता रहा हूँ व्यूअर्स को कि मैं लाइव देख रहा हूँ, जो सोलर तो लगा लेकिन उसके ऊपर यूट्यूब जो है वो आ रही है। सो मैं उसके थ्रू ऑनलाइन देख रहा हूँ मैच, लेकिन अभी जो है वो जो केबल जो आउटसोर्स की हुई है वो नहीं आ रही। सो जैसे ही वो चलेगी तो फिर उसके ऊपर कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन पे ये ज़रा वो वर्किंग करता है, प्रॉपर नहीं देखा जाता। और ये दनीन आ गई है। दनीन आपने सुबह से क्या किया, व्यूअर्स को बताओ। हेलो से अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स। सो मामा आपके लिए क्या बना रही हैं दनीन? पता नहीं स्मेल किस चीज़ की आ रही है आपको। इधर इधर आ जाओ, इधर आओ, बताओ क्या मामा बना रही हैं आपके लिए फिर। फ्राइज नहीं बना रही? हाँ फ्राइज बना रही हैं, लेकिन मामा कह रही हैं दनीन को नहीं मिली, क्योंकि दनीन जो है वो शरारतें करती है, बहुत नोटी हो गई है दनीन। घर कौन आया हुआ है दनीन, व्यूअर्स को बताओ। अनम पुप्पो आई हुई है, यस दानीम की फेवरेट अनम पुप्पो आई हुई है। और तो अभी हम जो है वो मैच देखते हैं, और फिर वक्तन वक्तन आपके साथ इन टच होता रहूँगा मैं। वही चॉकलेट बाबा को भी ला के दो जल्दी से। तो ये जी दानीम ने बाबा के लिए जो है वो चॉकलेट लेके आई है। थैंक यू दानी, वेलकम।
आपकी चॉकलेट तो बहुत टेस्टी है। सो जी चलते हैं, मैच एंजॉय करते हैं। सो जी मैच जो है वो लगा हुआ है, केबल फाइनली आ चुकी है। ऑनलाइन देखने का मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि बार बार वो बफरिंग कर रहा था और रुक रहा था। सो अब केबल के ऊपर जो है वो लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इस वक्त जो है वो कमर्शियल है और पाकिस्तान जो है वो अच्छी कंडीशन, अच्छी जो है वो जगह पे था, अच्छी उन्होंने ग्रिप कर ली थी उसके ऊपर, मैच के ऊपर अच्छी ग्रिप जो है वो पाकिस्तान ने कर ली थी। लेकिन अब अगेन जो है वो पाकिस्तान के हाथों से मैच निकलता हुआ फील हो रहा है। 160 प्लस स्कोर, 172 रन्स हो चुके हैं और 4 आउट हैं अभी तक। सो इट्स अ बिट टफ सिचुएशन, अभी कहना जो है वो बहुत मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। सो अभी मैं जो है वो टी इंजॉय कर रहा हूँ, मैं जो है वो टी इंजॉय कर रहा हूँ और साथ में जो है वो सुपर सॉफ्ट ब्रेक्स और साथ में टी, और मैच भी जो है वो साथ इंजॉय हो रहा है। और ये दनीना, दनीना आप गए नहीं नीचे दादा अबू साथ? दादा अबू बाहर चले गए हुए हैं, आप जाओ, आपको ढूंढ रहे थे नीचे। बाय बाय। दानीन जो है वो अपने दादा अबू के साथ चली गई है बाहर खेलने। सो शाम का टाइम है, बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं और मैं जो है मैच एंजॉय कर रहा हूँ। सो आए मैच देखते हैं और साथ चाय एंजॉय करते हैं। सो यार तुम लोग भी सोचते होगे कि मैंने मैच के लिए कोई इंतजाम ही नहीं किया, सिर्फ चाय पी की बस बात खत्म। ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो चीज़ें, ये सारा कुछ ये मैच के लिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये सारा कुछ तुम्हारा भाई मैच के लिए लेके आया है। मैच भी नहीं हुआ है क्योंकि मैच जो है वो बारिश की वजह से रुक चुका है। सो जैसे ही बारिश के बाद मैच शुरू होगा, सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम उड़ाएंगे। सो सामन जो है वो मैच पसंद नहीं करती, इसलिए वो दूसरे रूम में और मैं अपने रूम में जो है वो बैठ के मैच का वेट कर रहा हूँ। सो जैसे ही मैच शुरू होगा, मैच देखेंगे बिंदास, ठीक है, और जो है वो आपके साथ साथ व्लॉगिंग भी और साथ मैच भी, क्योंकि व्लॉगिंग भी ज़रूरी है और मैच भी ज़रूरी है। सो वेट करते हैं, अब क्या कर सकते हैं इसके अलावा। अल्लाह करे मैच शुरू हो जाए बगैर नतीजे ख़त्म ना हो, बगैर नतीजे का मैच बिल्कुल भी जो है वो अच्छा नहीं लगता, और वो भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। सो हम वेट करेंगे कि मैच शुरू हो जाए और हम जो है वो मैच देखें, फुल पावर से मैच देखें। लीजिए फर्स्ट इनिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है और पाकिस्तान को 266 रन्स का जो है वो टारगेट मिल चुका है। सो अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्या इस टारगेट को चेज कर सकता है या नहीं। होप फॉर द बेस्ट, मुझे तो लगता है कर लेगा इंशाल्लाह, और हम जो है वो एक अच्छी नोट्स के साथ जो है वो अगली स्टेज में जाएंगे। और जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है इंडिया के अगेंस्ट वो भी जो है वो ज़रा बेटर हो जाएगा बड़े स्टेज में मैचेस में। वैसे तो ओवरऑल पाकिस्तान जो है वो इंडिया से बहुत आगे है, लेकिन बड़े मैचेस जैसे कि बड़े टूर्नामेंट्स, वर्ल्ड कप, एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, उनमें पाकिस्तान का रिकॉर्ड ज़रा अच्छा नहीं है। लेकिन आज जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान इस टारगेट को जो है वो चेज करेगा इंशाल्लाह ताला हुलअज़ीज़। गाड़ी जो है वो बाहर खड़ी है, मैं उसको गैराज में करके आता हूँ और फिर आपके साथ जो है वो इन टच होता हूँ। शिट शिट शिट, इट्स रियली वेरी सैड कि मैच को जो है वो ख़त्म कर दिया गया। यार मैच ख़त्म नहीं होना चाहिए था। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड ख़राब कर दिया। रेन आ गई थी तो थोड़ा सा खेल लेते यार, 5 ओवर ही खेल लेते कम से कम। यार दिल खुश हो जाता है यार किसी को जीता देख के, पाकिस्तान को जीता देख के जो है वो दिल खुश हो जाता। लेकिन एनी हाउ दोनों पॉइंट्स को जो दोनों टीम्स को जो है वो एक एक पॉइंट मिल चुका है। अब उम्मीद है कि दोनों टीम फाइनल में जो हैं वो एक साथ जो है वो खेलेंगी इंशाल्लाह, और उसमें जीत पाकिस्तान की होगी। और अब नेक्स्ट मैच जो है वो पाकिस्तान का नेक्स्ट जो है वो अब देखें किसके साथ है। सो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और आज का व्लॉग जो है वो यहीं पे हम ख़त्म, बल्कि नहीं ख़त्म नहीं करें, अभी जो है वो दानी नूडल्स बनवा रही है अपनी मामा से और मैं नूडल्स इंजॉय करूँगा और फिर हम व्लॉग जो है वो ख़त्म करेंगे। सो जी फाइनली मैच जो है वो वैसे ही ख़त्म हो गया विदाउट रिजल्ट के, और जैसा कि मैंने आपको बताया था दनीन की मामा दनीन के लिए नूडल्स बना रही हैं। सो दनीन नूडल्स कैसे लगे थे आपको? अच्छे अच्छे थे। नूडल्स फिनिश कर दिए सारे? क्यों मुझे
आपको? अच्छा आपने बस कर दिया था, अच्छा तो फिनिश क्यों नहीं किया आपने? तो आप क्या कर रहे थे अभी, व्यूअर्स को बताओ? खेल रहे थे। सो जी कल संडे है और दनीन के जो बाबा हैं वो एक फूड पॉइंट है बड़ा फेमस यहाँ का फैसलाबाद का दावते शराल, उसको जो है वो कवर करने जाएंगे और वो व्लॉग भी इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और आज का व्लॉग जो है वो यहीं तक का था। मॉर्निंग में उठे, जॉब पे गए, वापस आए, रेस्ट किया, चाय शाय पी, फिर मैच का हल्ला गुल्ला रहा और उसके बाद दनीन के साथ हमने खेलियाँ भी की थी। और अब जो है वो व्लॉग का फाइनली एंड है, रात हो चुकी है, अब सोना है। सो दनीन व्यूअर्स को बाय बाय बोल दो। बाय बाय। सो दनी की तरफ से बाय बाय। और आप जो है वो हाँ व्यूअर्स भी सो जाए और दनीन भी सोने लगी है। और अब जो है वो आपको जैसे आपको पता है कि हमने अपना कॉन्टेस्ट जो है वो अनाउंस किया हुआ है कि हम हाँ जी हमने कॉन्टेस्ट जो है वो अनाउंस किया हुआ है कि एक स्मार्ट वॉच जो है वो हर लकी विनर को हर मंथ जो है वो दी जाएगी। सो आपने उसमें भी फट चढ़ के पार्टिसिपेट करना है। अगर आपको उस कॉन्टेस्ट के बारे में नहीं पता तो आप हमारी वीडियोज़ में और आप हमारी वीडियोज़ में जो है वो देख सकते हैं कि हमने जिसमें गिफ्ट अनाउंस किया हुआ है अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। और हैप्पी बर्थडे बाबा की आनी है इस मंथ, वो भी सेलिब्रेट करेंगे। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है वो 2 के सेलिब्रेशन भी जो है वो होगी हमारी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जो है पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।